पहले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इस अब मुझे इतना अच्छा लगता नहीं है, मैं रोज़ खाती हूँ उसको क्योंकि। और खिचड़ी वगैरह, दाल वगैरह, चावल का पानी, वो तो इसका कंटिन्यू चल रहा है जब से मतलब ये 7 मंथ में लगी थी तब से ही। कैसे में पड़ोस की भाभी आई हैं सारी, कोको को बड़ा प्यारा देती हैं। तो गाइस घर पे लालू भैया आ गए हैं। मैंने ये आइसक्रीम बड़े चाव से खाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो रही है अभी, ठीक है। कैसे हो आप लोग बताइएगा ज़रूर। हम लोग अच्छे हैं और नाश्ता वैसे सब हो चुका है और मैं काम करने जाने वाली थी क्योंकि मम्मी अभी मालिश करेगी कोको को। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, बारिश हो रही है बाहर, अब थोड़ी बंद हो गई है, अभी हल्की हल्की हो रही थी थोड़ी देर पहले और सुबह बहुत अच्छी हुई थी बारिश। तो नाश्ता वास्ता जैसे मैंने बताया आपको कि हो चुका है मेरा, काम करने जाऊँगी। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ क्योंकि मेरा ये बहुत पसंद करती हूँ मैं इसको। गाइस इसको कहते हैं खीस, ठीक है। काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा जो शहर के होंगे। तो ये जैसे गाय बेबी देती है ना, बच्चा देती है, तो उसके बाद उसका जो दूध बनता है ना वो फट जाता है इस तरह से, तो खीस बनता है। मुझे ये पहले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इस अब मुझे इतना अच्छा लगता नहीं है, मैं रोज़ खाती हूँ उसको क्योंकि अब पास में ना हमारी पड़ोस में आंटी के गाय ने बच्चा दिया है, तो बेबी गर्ल हुई है। बेबी गर्ल कह रही हूँ मतलब हाँ, बच्ची हुई है, गाँव माता हुई है छोटी सी। तो आंटी ने हमें ये दिया है और कुको देखो खिड़की के पास ना खड़ी होकर बातें कर रही है बाहर भैया से, जिनके यहाँ मतलब गाय के बच्चा हुआ है, उनके बेटा है, उनसे बातें कर रही है। वो बुला रहे हैं तो ऐसे आ करके बोल रही थी अभी थोड़ी देर पहले। कुको गुड मॉर्निंग कर दो छपका भाई। पता नहीं मैं इतना फंबल क्यों कर रही हूँ गाइस, मैं ना बोलते टाइम इतनी ज़्यादा स्पीड में पकड़ लेती हूँ कि मुझे याद ही नहीं रहता मैं क्या बोल रही हूँ क्या बोल रही हूँ। पर कोई नहीं, सब होता रहता है, मेरे साथ होता रहता है। तो मैं इसे फटाफट खा लेती हूँ क्योंकि ये ठंडा हो गया ना तो अच्छा नहीं लगेगा। खाते हैं फिर मिलेंगे आपको, ठीक है। मम्मी कैसे देख रही है? देखो फिर कड़ी हो गई वो और अब बात करेगी। कुकू बुला लो, बुला सबको बुलाओ। वहीं खड़ी रहती है वहीं पे, इसने ठिया बना लिया अपना ठिकाना, मतलब कि वहीं खड़ी होना है उसको, बेड पे जाएगी तो और सबको आवाज देती रही थी। चलो गाइस फिर मिलेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग गाइस, और ये देखो शैतान बच्चे को। कुकु कहाँ जा रहे हो भैया आप, हैं? ये 3 सीढ़ियाँ चढ़ चुकी हैं यहाँ से, वो तो मम्मी यहाँ बैठी हुई है इसके पास ही। ये क्या कर रही है? ये कर रही है लड़की, क्या कर रहे हो आप? कुकु क्या कर रहे हो, कहाँ जाना है? ऊपर जाना है, हैं? सीढ़ी चढ़नी है अभी अभी से ही, इतने छोटे छोटे पैरों से। बदमाश बच्चा ऐसे करते हैं? क्या कैसे चढ़े आप यहाँ पे? हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ चढ़ने की? कैसे? अभी भी देखो मानेगी नहीं, नहीं मानना, नहीं मानना। One hour later. Good evening guys. और शाम हो चुके हैं, हम लोग इवनिंग वॉक पे निकल चुके हैं। कुकु चिप्स खा रही है, हमारे ऊपर एक ना किराए पे आंटी रहती है, उन्होंने चिप्स दिए इसको, चिप्स और कुरकुरे, तो वो ही खा रही है। अभी वो हमारे साथ ही थी पर अभी उनका कहीं और जाना था तो निकल गई, हम वॉक कर रहे हैं। मम्मी मेरे साथ ही है, पापा कर लो तो पापा आज प्रोग्राम में जा रखे हैं, नवल दुकान पे है और हम वॉक पे आ गए, बिल्कुल में ही आए हैं। आज तो रोड बहुत साफ दिख रही है, मम्मी साफ सफाई कर दिया ना, वरना यहाँ जामुन गिरती रहती है और ये गंदा हो जाता है रोड सारा। मॉर्निंग में ही बारिश हुई थी, अभी नहीं हुई है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, घूम के आते हैं। कुकु भी हाँ कर लिया, चिप्स खा लिया आपने? और दे दो, नानी दे रही है। नाइस nice.
आज दिन में इसको खिचड़ी खिलाई थी, अब खिचड़ी खाने लगी है, दूध भी पीने लगी है, थोड़ा थोड़ा मम्मी पिला देती है। अब कुकू के साथ में एक दिक्कत थी, जब भी 6 मंथ की हो चुकी थी ना, उसके बाद 7 मंथ या 8 मंथ में ना, मैंने कोशिश करी थी कि इसका ऊपर का दूध लगाऊं, क्योंकि वो भी पीना ज़रूरी है, फिर बच्चे का पेट नहीं भरता, सब बोलते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पिलाती थी तो ये पीती नहीं थी और रोने लग जाती थी, और फिर मैं मतलब इसकी मम्मी हूँ तो मैं तरस खा के फिर से अपना ही दूध पिला देती थी, तो इसको आदत नहीं पड़ी। अब जैसे वहाँ पे भी ना, जब इसके दादी भी आए थे तो मैं इसके दादा को बोलती थी कि आप पिला दिया करो थोड़ा बहुत, अब यहाँ पे नाना नानी है तो उन दोनों वो पिलाते रहते हैं, तो अब इसको थोड़ी थोड़ी आदत पड़ रही है पीने की, लेकिन इतना भी नहीं पी रही है कि हाँ पूरा पेट भर लेगी, वो फिर मेरे ऊपर ही आ जाती है कि मम्मी दूध चाहिए रोने लग जाएगी, तो थोड़ा बहुत पिलाने की अभी आदत डाल रहे हैं लोग। और खिचड़ी वगैरह, दाल वगैरह, चावल का पानी, वो तो इसका कंटिन्यू चल रहा है जब से मतलब ये 7 मंथ में लगी थी तब से ही। आज खिचड़ी बनाई थी मम्मी ने, हर एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के ऐसी खिचड़ी बनाई देती है, तुम भी खाओ खिचड़ी, हम भी खाएं, मतलब ये भी खाई खिचड़ी, तो ऐसा हो जाता है। तो आज हमने दिन में खिचड़ी खाई थी खाने में। अच्छा, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कैसे मैं पड़ोस की भाभी आई है सारी, कोको को बड़ा प्यार देती है। कुकु आ जाओ, नानी आ सकती गाइस। फ्रेश अमरूद पेड़ पे से मिल जाए तो क्या ही बात है, मम्मी तोड़ रही है, और कुकु वो तो खा नहीं सकती अभी, हम लोग खा लेंगे। One hour later. तो गाइस घर पे लालू भैया आ गए हैं, मैं बताना भूल गई थी कि वो आ रखे हैं, वो भागवत करने आते हैं ना, मम्मी पापा के साथ आते हैं, तो वो अभी घर पे आ रखे हैं। हेलो कर दो भैया। हेलो। और पापा भी बैठे तरफ से जा रहे हैं। मम्मी कुकु नवल आ रहा है अभी, तो अभी खाने वाने का इंतजाम करेंगे इनके, ठीक है ना मम्मी। तो गाइस लालू भैया तो चले गए थे और वो खाना खा के भी नहीं गए, खाना उनके लिए बनाया था हमने, उनको थोड़ा ज़रूरी काम आ गया तो वो जल्दी निकल गए थे। और कुकु को आइसक्रीम खिला रहा है नवल, अब खाना वाना हमारा हो गया था, ये आइसक्रीम बड़े चाव से खाती है। बात तो सही है। देखो अब मुझे बन गई कुकु, देखो आइसक्रीम। मैं ना खाऊं? इस लड़की को ये है कि मेरी आइसक्रीम है तो मुझे खिलाए बस। दे दो मामू। कुकु को भी दे दो भाई, मैं बच्चे को आइसक्रीम तो कितनी पसंद है ना मामू, आप मेरे लिए तो लाए थे आइसक्रीम। ओले भाई आज ही है ना आइसक्रीम, नवल पूरी ब्रिकी लेके आ गया था इसके लिए कि बस खाती रहेगी ये। मीठा वैसे नहीं खाती है, आइसक्रीम, चॉकलेट, जूस, मैंगो जूस हो गया ना, वो सब खा लेती है। तो चलिए गाइस कल मिलते हैं आपको, ठीक है ब्लॉग को एंड कर देते हैं, आइसक्रीम वाइसक्रीम खा के सो जाएंगे, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट चाहिए जरूर करना, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। ओके गाइस बाय, गुड नाइट।